हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था इसकी पूरी जर्नी क्या थी, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो हिस्ट्री की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी। हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि इस धरती पर अनगिनत जीव हैं, इस धरती पर अनगिनत जीव हैं, और कुछ जीव तो बच्चों ऐसे हैं जिनके विषय में हमें आज तक पता ही नहीं। ठीक है, तो हर जीव का अलग से स्टडी करना संभव नहीं है, इसीलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करके, कुछ क्या ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स की स्टडी करके उनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि समान और असमान कैरेक्टर्स के आधार पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि जब भी कोई नई स्पीसीज आइडेंटिफाई हो, तो हम उसके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर उन्हें किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकें। इसका मूल उद्देश्य ये था क्लासिफिकेशन का, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके उसके लक्षणों के आधार पर। हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम इनकी जो स्टडी है वो किस आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए, फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए उसके, फिर एम्ब्रायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म का उसके आधार पर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये कई कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन किसके कितना क्लोज है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं किंगडम के, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री। शुरुआत करते हैं इतिहास में बहुत पहले से, यानी कि एरिस्टोटल के जमाने से। एरिस्टोटल को सब जानते हैं क्योंकि ये बहुत महान दार्शनिक हुए थे, और पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था वो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो प्लांट्स जो थे उसको ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स की कैटेगरी में डिवाइड किया था। ट्री मतलब एक बड़ा प्लांट जिसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वुड होती है, जैसे कि मैंगो ट्री। ठीक है, फिर सर्ब्स जिसमें क्या था, स्मॉल वुडी था वो, और स्टेम जो थी वो ब्रांच में डिवाइडेड थी, स्मॉल वुड भी थी और स्टेम्स जो थी वो डिवाइड थी ब्रांच में। इसका एग्जांपल हो गया तुलसी। ठीक है, तुलसी हो गया, हिबिस्कस हो गया यानी कि चाइना रोज, और अंत में था हर्ब्स। हर्ब्स क्या था, नॉन वुडी प्लांट थे जिसमें स्टेम बहुत सॉफ्ट थी। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि स्पिनिच या फिर कॉरियंडल। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे एनिमल्स की। तो इन्होंने एनिमल्स को आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस में दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एनिमा और एनेमा। तो एनिमा वो थे जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थी, और अनेमा वो थे जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी। तो ये जो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें ना तो इंटरनल कैरेक्टर्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था, और उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई भी वहां पर मतलब नहीं था। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन था इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एरिस्टोटल की। अब आते हैं हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की आज जो हम बात कर रहे हैं, ये शुरू से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, शुरुआत में ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसको दिया था लीनियस ने 1758 में। यहां पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल, यानी कि किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया। यहां पर बैक्टीरिया को फंजाई को और ग्रीन एंड ब्लू एलगी को किसकी कैटेगरी में रखा था, प्लांट की कैटेगरी में। ठीक है, प्लांट की कैटेगरी में रखा था किसके आधार पर, क्योंकि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ना बच्चों, इसमें ना तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का कोई अंतर था, यानी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स जो थे वो एक साथ रख दिए गए थे, ना तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉप्स उनका कुछ मतलब बैठता था। ठीक है, और
इसके साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये जो किंगडम, ये जो क्लासिफिकेशन था, इसने प्लांट और एनिमल को तो डिवाइड किया था, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक में, हेटरोट्रॉफ और फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ एक में, ठीक है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में थे। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर आते हैं हमारे एर्नेस्ट हैकल। अब एर्नेस्ट हैकल जो थे, उन्होंने सपोर्ट किया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एर्नेस्ट हैकल आए 1886 में और इन्होंने सपोर्ट किया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। इन्होंने कहा कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये जो हैं, ये कैसे हैं, मोस्टली ये हेटरोट्रॉफ्स थे, तो इनको हमें अलग करना चाहिए, इनके लिए हमें अलग किंगडम बनाना चाहिए, इसलिए इनको एक अलग राज्य में लिया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, और इस प्रकार हमारे पास आ गए थ्री किंगडम्स। ठीक है, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, और ये किसने दिया था, एर्नेस्ट हैकल ने 1886 में। उसके बाद भैया ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ये गुस्सा हो गए, इन्होंने कहा कि आपने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को तो अलग कर दिया और हमें आपने प्लांट और एनिमल में रख रखा है, जबकि हमारा जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, हमारा जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट है, फिर भी आपने हमें किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई, और हम में से तो कुछ हेटरोट्रॉप्स भी हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, बट कुछ तो हम में से हेटरोट्रॉप भी हैं, ज्यादातर तो हेटरोट्रॉफ ही हैं। तो भाई ये गुस्सा हो गए, तो इनके गुस्से को शांत करने के लिए आते हैं कॉफलैंड 1956 में। इन्होंने कहा गुस्सा मत हो, तुम्हें मैं दूसरा राज्य देता हूँ, एक नया राज्य देता हूँ, किंगडम मुलेरा, जहां पर तुम आराम से रहना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया किंगडम की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो भैया ये बड़े खुश हो गए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स तो खुश हो गए, लेकिन फंगस चढ़ गया। फंगस ने कहा कि तुमने यार प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, मैं मुझे तुमने अभी तक प्लांट में रखा हुआ है, मैं तो भैया हेटरोट्रॉफ हूं, मैं तो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफ हूं, इसके तो कुछ सदस्य थे फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक, तो मैं तो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफ हूं, और मेरी तो सेल वॉल जो है वो तो काइटिन की बनी है, फिर भी तुमने मुझे भैया अभी तक प्लांट में रखा हुआ है। तो भाई आरएच वटेकर आए, इन्होंने कहा फंजाय धैर्य रखो पुत्र, धैर्य, तुम इन सब में सबसे ज्यादा धैर्यवान हो, इसीलिए हम तुम्हें भी अलग राज्य देते हैं, तुम्हें भी अलग किंगडम देते हैं। और सब जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है, कि हम तुम्हारे किंगडम का नाम तुम्हारे ही नाम पर रखेंगे, तुम्हारे राज्य का नाम तुम्हारे ही नाम पर रखेंगे। इस प्रकार ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में विभाजित किया गया। सबसे पहला बताओ, किंगडम मोनेरा, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, अमीबा, ठीक है, एग्जांपल हो गया अमीबा। ठीक है, तीसरा फंजाई किसके लिए, फंगस, कवक के लिए। चौथा किंगडम प्लांटी, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो पूर्ण रूप से फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और फिर आते हैं किंगडम प्लांटी, वो किंगडम एनिमिलिया, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है, और जो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफ है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है और हेटरोट्रॉफ है। तो बच्चों ये थी हिस्ट्री 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।